सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे नंबर्स में कॉल करने वाली हूँ जो कि श्रापित हैं। अगर आप कभी भी गूगल करते हो घोस्ट नंबर्स या फिर स्कैरी नंबर्स लिख के, तो आपको ऐसे कई सारे नंबर्स दिखने को मिलेगी जिन पे कॉल करना मना है, क्योंकि इन सारे नंबर्स के पीछे कुछ ना कुछ कहानी ऐसी जुड़ी है जो कि डरावना है। एंड इन नंबर्स में आपको कभी भी कॉल नहीं करना चाहिए। तो आज मैं बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा के इस वीडियो को शूट कर रही हूँ। रात के 3 बजने ही वाले हैं। आप देख सकते हो कि अभी मतलब 3 बजने में बस 10 मिनट बाकी है। तो रात के जो 3 बजे का टाइम होता है ना गाइस, उसको डेविल्स आर कहा जाता है। मतलब मैं आपको ऐसे बता रही हूँ एंड मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो आज से पहले कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने कभी भी इस तरीके का काम भी नहीं किया है। बस आप लोगों ने इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट किए थे मुझे इस वीडियो के लिए, तो मैं बस हिम्मत जुटा के इस वीडियो को शूट कर रही हूँ। एंड आई होप कि सब अच्छा ही होगा। वैसे आज मैंने गूगल से ऐसे कई सारे नंबर्स को इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि मुझे अभी उन नंबर्स में कॉल करना है। एंड ये जो सारे नंबर्स हैं, ये काफ़ी डरावना टाइप का है, क्योंकि इसके पीछे जो स्टोरी है उसको सुन के मुझे काफ़ी डर लगा है। तो इसलिए मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ एंड आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी एंड आप लोगों के सामने उन सारे नंबर्स में कॉल करूँगी। सो गाइस, सबसे पहला जो नंबर है मेरे पास, वो जापान में किसी छोटी सी बच्ची की हुआ करती थी जिसका नाम था सडाको। उसकी किसी भी कारण मौत हो गई थी। एंड जापान में ऐसी बात फैली हुई है कि अगर कोई भी इस नंबर पे कॉल करता है तो उसको बहुत ही क्रीपी सा साउंड सुनने को मिलता है एंड फ़ोन करने के तुरंत बाद ही उसकी बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। तो मैं इस नंबर पे अभी कॉल करूँगी आप लोगों के सामने एंड देखते हैं कि क्या होता है। तो ये जो नंबर है ये जापान का है, तो जापान तो ये नंबर तो अभी नॉट रीचेबल या फिर अनरीचेबल ऐसा कुछ दिखा रहा है। बट आई डोंट नो कि मतलब सच में ये वाला नंबर है, बट फिर भी मैं फिर से ट्राई करती हूँ। सो गाइज, मुझे काफ़ी डर लग रहा है, क्योंकि ऐसा मैं पहली बार कर रही हूँ एंड मैं बहुत डरपोक हूँ। बचपन से ही मैं बहुत ही ज़्यादा डरपोक हूँ, आप सोच भी नहीं सकते। बट तो ये वाला नंबर तो नहीं लगा, तो देखते हैं कि नेक्स्ट जो नंबर है उसमें लगता है कि नहीं। तो नेक्स्ट जो नंबर है वो है 10 मिलियन। तो जापान में ऐसे कई सालों से एक न्यूज़ फैली हुई है कि अगर किसी के पास भी 10 मिलियन नंबर से कॉल आता है और वो उस नंबर का कॉल उठाता है, तो फ़ोन के दूसरे साइड से एक आदमी की आवाज़ आती है एंड वो आदमी उससे कहता है कि अगर उस नंबर को वो और 15 लोगों के साथ शेयर नहीं करता, उस नंबर पर कॉल करने के लिए नहीं बोलता, तो उसकी मौत 1 वीक के अंदर हो सकती है। मतलब ये काफ़ी डरावना है ना। अगर किसी भी अननोन नंबर से, इस तरीके की अजीब नंबर से आपके पास कभी भी कॉल आए गाइस, तो प्लीज़ मत उठाना, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी। तो चलिए अभी इस नंबर पे कॉल करते हैं एंड देखते हैं कि क्या होता है, कि ये नंबर सच में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर डायल कर रही हूँ 1000000000। Please check the number you have dialed. আপনার ডায়াল করা নম্বরটি অবৈধ, অনুগ্রহ করে ডায়াল করা নম্বরটি চেক করুন। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है, कृपया डायल किए गए नंबर की जांच कर लें। यहाँ पे किसी का नाम आ रहा है, सारा खान। आई डोंट नो, सारा खान के नाम से ट्रू कॉलर में ऐसा क्यों दिखा रहा है। एंड यहाँ पे ना ऐसा भी दिखा रहा है कि ये बैंक का नंबर है। तो फिर से एक बार ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। देखते हैं। नंबर यू हैव डायल्ड इज इनवैलिड, प्लीज चेक द नंबर यू हैव डायल्ड। হ্যালো,
हेलो क्या था गाइस, मतलब ये कैसी आवाजें थी? क्या सच में फोन लगा था? एंड सबसे अजीब बात है कि मेरी कॉल लिस्ट में इसका नंबर भी नहीं है गाइस। देखो मैंने लास्ट बार जिस नंबर पे कॉल किया था सिर्फ वही नंबर है यहाँ पे, वो नंबर नहीं है जिसमें मैंने डायल किया है 1 मिलियन, वो वाला नंबर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। देखो मैं इस नंबर पे और कॉल नहीं करने वाली। एंड प्लीज़ गाइस, आप लोग भी कभी भी इस नंबर पे कॉल मत करना। आई डोंट नो कि मैं 1 हफ्ते बाद रहूँगी या नहीं। सो गाइस, नेक्स्ट जिन नंबर्स के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, इनको रेड नंबर्स कहा जाता है। साल 2004 में नाइजीरिया में ऐसा एक न्यूज़ फैली थी कि अगर किसी के पास इन रेड नंबर से कॉल आता है और अगर कोई इस नंबर का कॉल उठाता है तो उनको बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वाले साउंड सुनने को मिलता है जो कि इंसान के ब्रेन को डैमेज कर सकता है एंड इंसान की मौत भी हो सकती है। बट उसके 2-3 साल बाद नाइजीरियन गवर्नमेंट ने ऐसा क्लियर कर दिया था एक न्यूज़ में कि ये जो न्यूज़ है ये एक फेक न्यूज़ है। बट फिर भी अभी भी बहुत सारे केसेस ऐसे सुनने को मिलता है, पाकिस्तान में भी एंड नाइजीरिया में भी ऐसा सुनने को मिलता है कि अभी भी इन नंबर से कॉल आते हैं लोगों को एंड कई सारे लोगों के साथ ऐसा ही हादसा हुआ है, कई सारे लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो रेड नंबर्स क्या होता है कि हमारे पास जो कॉल आता है तो देखना कि वो वाइट कलर का होता है या फिर ब्लैक कलर का होता है, लेकिन ये जो रेड नंबर्स है ये रेड कलर का ही होता है। वैसे ऐसे नंबर्स तो मैंने अभी तक इंटरनेट से नहीं ले पाई और मुझे सच बताऊँ कि मुझे हिम्मत भी नहीं है। 1-2 नंबर्स ऐसे मिले थे लेकिन मुझे हिम्मत भी नहीं है कि मैं इन नंबर्स पे कॉल करूं, क्योंकि आई नो कि ये बात सच है क्योंकि मैंने भी एक न्यूज़ में देखी थी। अभी जिस नंबर पे मैं कॉल करने जा रही हूँ वो नंबर है 2020 2020। ये नंबर बहुत ही पुरानी एक नंबर है। 1970 में यूके में हर एक स्ट्रीट में एक पे फोन बूथ हुआ करता था। पे फोन बूथ मतलब कि होता है ना कि अगर आप 90s की हो तो आप समझोगे। बहुत पहले ऐसा होता था कि जो बूथ होता है वहाँ पे हमें एक कॉइन डालना पड़ता था, फिर हम एक कॉइन की मदद से हम कॉल कर पाते थे किसी भी नंबर पे। बट यूके में उस टाइम मतलब 1970 में इन पे फोन बूथ में जाके किसी एक नंबर पे ही कॉल कर सकते थे जो कि था 2020 2020। और अगर कोई इस नंबर पे कॉल करता था तो फ़ोन के दूसरे पार से किसी लेडी की आवाज़ सुनाई देती थी जो कि कहती थी कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। एंड उसके तुरंत बाद ही वो ये कहने लगती थी सूजी डूब रही है, सूजी डूब रही है, सूजी डूब रही है। तो यही था इस नंबर के पीछे का स्टोरी। तो अभी इस नंबर पे मैं कॉल करूंगी, देखते हैं कि क्या होता है। यात्रा जीनी नाम का कुछ नाम यहाँ पे शो कर रहा था। 2020 कैसे हो सकता है गाइस, ये नंबर तो अभी नहीं है ना। फिर से करते हैं। कट जा रहा है, फिर से एक बार ट्राई करती हूँ। हेलो, कट गया।
फिर से ट्राई करते हैं। माय गॉड, अब तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हेलो, आई थिंक कि मुझे वीडियो को यहीं पे एंड करना सही होगा। मेरे अंदर और हिम्मत नहीं है कि मैं अकेली इस रूम में और बैठी रहूं, क्योंकि मेरे रूम में कोई भी नहीं है और मैं मम्मी के साथ सोती हूं, तो मुझे काफ़ी डर लग रहा है एंड मुझे जल्दी से जल्दी अभी सोने के लिए जाना है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को 5000 लाइक तक पहुँचा देना, तो फिर मैं फिर से और एक नई वीडियो लाऊंगी इस तरीके का। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। मैंने इतना सारा कुछ किया है आप लोगों के लिए, मुझे काफ़ी डर लग रहा है अभी सच में। मतलब आप समझ भी नहीं सकते कि इतनी रात को बैठ के शूट करना, एंड आज तक मैंने कभी भी इतनी रात को शूट किया ही नहीं है, तो इसलिए और भी ज़्यादा डर लग रहा है मुझे। तो मुझे अभी यहाँ से जाना चाहिए। एंड प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।